गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस अबाउट चैप्टर फर्स्ट द अल्फ़ाबेट क्वेश्चन आंसर्स। देखिए, मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट द अल्फ़ाबेट अच्छे से समझाया था, आपको डिस्कस किया था इसके बारे में, बुक के एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझा के और फिल करवाई है। आज हम इसके क्या है क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखिए, ईजी है बहुत, द अल्फ़ाबेट, ठीक है। हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, आपको बताया था मैंने कि देयर आर 26 लेटर्स, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं ए टू जेड, कितने होते हैं वो 26। बस आपको इतना बताना है कि हाउ मैनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसमें कितने लेटर्स हैं। देयर आर 26 लेटर्स, जो हमारे ए टू जेड होते हैं कितने लेटर्स होते हैं, 26 लेटर्स, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, राइट द फोनिक ड्रिल्स, आपको क्या करना है इसमें, बी एस फोर, आपको बी से वर्ड बनाना है, ठीक है, जो भी आपको इजी लगे, ओके। जैसे मैंने लिखा है बी ओ वाई बॉय, तो आप बी ए टी बैट, बी ए डबल एल बॉल, जो आपको आसान लगे वो लिख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे एस एस फोर, एस से मैंने लिखा है एस यू एन सन, सन मीन सूरज, आप एस ओ एन सन मतलब बेटा, ठीक है, जो आपको इजी लगे वो लिख सकते हैं। आर एस फोर रैट, रैट मीन्स चूहा, ठीक है, आर ई डी रेड, या आर ए डबल बी आई टी रैबिट, ओके। एच एस फोर क्या है, एच यू टी हट, ठीक है, हट मीन्स झोपड़ी, एच ए टी हैट भी लिख सकते हैं आप, एच ओ आर एस ई हॉर्स भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। सी एस फोर कार, सी ए आर कार, या फिर आप लिख सकते हैं सी ए टी कैट, कैट मीन्स बिल्डिंग, ठीक है। ऐसे ही हम इनके जैसे ही और भी वर्ड बना सकते हैं, जैसे हम ए फोर लिख सकते हैं, ए फोर क्या होता है, एप्पल, एरोप्लेन, एक्स, कुछ भी वर्ड आपके अल्फ़ाबेटिकली जो वर्ड्स हैं 26, आप उनमें से जितने भी वर्ड्स हैं सबसे 1 1 2 2 जो हैं उनसे वर्ड बना के देखेंगे खुद से, ठीक है। जैसे डी फोर डॉग हो गया, ठीक है, ई फोर एलिफेंट एग हो गया, एफ फोर फिश फैन हो गया, मतलब सभी वर्ड्स से जितने भी अल्फ़ाबेटिकली लेटर्स हैं आपके सबसे आप 1 1 2 2 वर्ड आप अपने आप बना के देखेंगे, ठीक है। ओके बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि ये आपको कैसे करना है, ओके।